हाय दोस्तों, सब कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट एंड थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा अभी विश्व पूरा बहुत ही संकट में है, बहुत ही प्रॉब्लम में है इस COVID-19 के चलते में। कोरोना वायरस जो ये जो बीमारी है, इसी के चलते में सभी अभी बहुत ही परेशान है। सभी को अभी घर पर ही है, कोई बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसी चीज़ का एक टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ आप लोग को सजेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, कि आप लोग घर से बिल्कुल ना निकलिए। अगर कुछ इमरजेंसी या कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम है तभी आप घर के बाहर जाइए, वो भी मास्क पहन के जाइए। एंड आने के बाद बार बार हाथ को सैनिटाइज करिए, हाथ साबुन से धोए बढ़िया से। तो दोस्तों, एक्चुअली में ये हमारा जो आज का टॉपिक, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये आप लोग को ये क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट का क्लास में कोरोना वायरस का टॉपिक निकल रहा है। तो एक्चुअली दोस्तों, हमारे पास बहुत सारा रिक्वेस्ट आया है, बहुत सारा व्यूअर्स लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर अभी कोरोना वायरस के चलते में मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, तो अभी मैथ्स बढ़िया सीखने का अभी टाइम मिल पा रहा है। तो इसी टॉपिक को लेके बहुत लोग बोले, सर मैंने टीवी में बहुत बार देखे हैं कोरोना वायरस का जो वो जो इमेजेस है दिखाता है न्यूज़ में, वो कैसे बनता है, जैसे ग्राउंड जैसा होता है एंड एक पाइप के जैसे निकला रहता है। तो मैं तो यही इसी चीज़ लेके बहुत सारा कमेंट्स आया, तो मैं आप लोग को ही दिखाना चाहता हूँ कि जो कोरोना का वायरस का जो इमेज है दिखाया जाता है टीवी में, जिस तरह के दिखता है कोरोना वायरस, तो अब मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ 3DS Max में हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं, बहुत इजी है। वो जो इमेजेस जो टीवी में देखते हैं आप न्यूज़ में, या कोरोना वायरस का जो इमेज, अगर आप गूगल में टाइप करोगे तो आप देख पाओगे। जैसे हम लिखते हैं गूगल में COVID-19 इमेजेस, सॉरी नेट अभी वेदर के वजह से नेट में अभी प्रॉब्लम है, तो वह देखते हैं फिर से कनेक्ट करके। जैसे इस टाइप का देख रहे दोस्तों, इस टाइप का हम लोग कैसे मैक्स में बनाएं। तो आज का टॉपिक यही दोस्तों कि हम लोग इसको कैसे बनाएं, इस इमेजेस को। तो बहुत ही इजी है, बेसिक हार्ड नहीं है। एंड जो टूल्स आपको दिखाने वाला हूँ वो ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगा बनाने में। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट क्लास। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा स्पेयर है, एक जियो स्पेयर है। तो दोनों का डिफरेंस अब बता चुका हूँ वीडियो में, तो हम लोग यूज़ करेंगे जियो स्पेयर का। इसमें इसका जो लाइंस है, जो सेगमेंट्स है, वो एक एंगल में आता है। जैसे देखिए अभी दिख नहीं रहा है इसका सेगमेंट्स, तो हम लोग F4 प्रेस करेंगे तो दिखना शुरू हो जाएगा, ये देखो। तो क्या करते हैं हम लोग, मॉडिफाई में जाके हम लोग पहले इसका सेगमेंट्स को थोड़ा कम कर देंगे। काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लगभग 3 चलेगा। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करने के बाद हम लोग इसमें काम करेंगे वर्टिक्स से। वर्टिक्स को सिलेक्ट करेंगे एक एक करके, तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो आपको शॉर्टकट्स यूज दिखाया हूँ मैं पहले, बहुत बार बता चुका हूँ, फिर ही बताता हूँ एक बार। कंट्रोल ए करोगे तो सारा वर्टिक्स ऑटोमेटिकली सब सेलेक्ट हो जाएगा। एक करने में बहुत समय लग जाएगा दोस्तों, इसलिए कंट्रोल ए कर दिए। अब इस वर्टिक्स को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग करेंगे शैम्फर, इधर से शैम्फर करके इसको थोड़ा सा राउंड का शेप में देंगे, इस टाइप का लगभग इतना बड़ा चलेगा। उसके बाद पॉलीगन में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर कंट्रोल करेंगे हम लोगों को, तो सिर्फ इसको चाहिए ना, जिससे पूरा हो जाएगा। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, तो जल्दी से इसको हम बना लेते हैं। आप भी चाहो तो इमेजेस ये वीडियो देख देख के बना के प्रैक्टिस कर सकते हो।
और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम होने से मुझे आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और अभी हम लोग का एक नया सीज़न शुरू होने वाला है ऑनलाइन क्लासेस, तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है ऑनलाइन क्लास करने में तो आप कृपया करके फ़ोन दी नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। क्लासेस का टाइमिंग एंड फीस वगैरह क्या चार्जेस ये सब तो आपको डिटेलिंग बता दिया जाएगा। और हम फिर जो से क्लास होएगा दोस्तों उसका मैं वीडियो भी बना के आप लोग को दे सकता हूँ, क्योंकि उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर बैठे बैठे। तो आप सभी के लिए मैं ये सब चीज़ कर रहा हूँ दोस्तों। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करके इसका इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। तो बन गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रूड कर देंगे इस तरीके से। ये साइज़ देना है हम लोग को, थोड़ा बड़ा कर देंगे इतना, इस तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बिवेल, बिवेल का यूज़ करेंगे यहाँ पे। बिवेल करने से क्या होता है दोस्तों, एक्सट्रूड एंड बिवेल में दो फर्क होता है कि आपका जो बेंड होते हुए एक एक्सट्रूडेशन आएगा, देखिए ऐसे किए, एंड इसका वैल्यू को हम लोग पहले सेट कर देंगे ज़ीरो पे या किसी पे, एंड सेकंड वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इस टाइप का, ये देखो। अब फिर फर्स्ट वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा करेंगे इस टाइप का। तो अब वैल्यू लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, आप वहाँ पे क्या वैल्यू दे रहे हो वैल्यू याद करके कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। बस आप लोग को वहाँ पे एज्यूम करके बनाना पड़ेगा कितना तक अच्छा लगेगा। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं बस। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसको फिर से विविल कर सॉरी इंसर्ट करेंगे, क्योंकि एक थोड़ा गैपिंग चाहिए अंदर में मेरे को, क्योंकि ये थोड़ा सा रहेगा स्कर्टिंग टाइप का जैसे हम लोग बनाते हैं बेडरूम में, इसमें भी वही काम कर रहे हैं हमें। एंड अब हम लोग एक्सट्रूड नहीं करेंगे, अगर आप एक्सट्रूड करोगे क्योंकि हमको अंदर में गैपिंग चाहिए, जो आप देखे हो वो तो इसमें दिखिएगा ये इमेजेस में, तो वो अंदर का गैप रहता है आप लोग देख सकते हो। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूड करने से नहीं होएगा, देखो अगर एक्सट्रूड करेंगे तो अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो देखो इधर निकल जा रहा है। तो क्या करेंगे, फिर से हम लोग वही लेंगे बिवेल, यस, इसको माइनस में लेके जाएंगे इतना लगभग, आप देख लो इतना, एंड जो बाहर निकल गया है दोस्तों उसको हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू को हम लोग कमा देंगे इस तरीके से, ये देख लीजिए इतना रहेगा बस। कितना सिंपल में बन गया दोस्तों, कोई मेहनत नहीं लगा ज़्यादा करके, इसमें और कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, इस टाइप का दिखने में रहता है। इसमें हम लोग कलर भी दे सकते हैं, ये देखिए तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इसमें से एक और चीज़ कर सकते हैं क्या, कि ये जो इसको छोटा से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि ये पकड़ के मान लीजिए कि अगर आपको सबको एक साइज़ नहीं रखना है, किसी को छोटा करना है किसी को बड़ा करना है, आप ऐसे सजा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें और भी चेंजेस, इसमें एक्चुअली बहुत चीज़ कर सकते हो, तो ये सिंपल में दिखा चुका हूँ। आप मान लो कि किसी को छोटा बड़ा करना है तो वो वर्टिक्स से ही होएगा, कैसे, आप कोई भी एक व्यू ले लो, जैसे मान लो इसको छोटा करना है, लेकिन इसमें बहुत सारा हो गया ना, इसमें थोड़ा परेशानी होएगा छोटा करने में, थोड़ा सा मेहनत लग जाएगा सिलेक्ट करने में। देखिए जैसे कि मान लीजिए इसको करना था, एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, या पॉलीगन पकड़ के एक दिखा देता हूँ, आप लोग कर सकते हो घर पे, थोड़ा मेहनत का काम है। वर्टेक्स से भी होगा नहीं तो फिर पॉलीगन से भी होएगा, तो बेटर हो आप वर्टेक्स से ही करना, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा करके पॉइंट्स को, इसलिए मैं इससे करके दिखा देता हूँ, ये देखो। अब एंड इसको अंदर की तरफ पुश कर दो, ये देखो लेकिन ये भी पुश हो गया है, ये देखो, यस। तो ये वर्टेक्स से ही बेटर होगा, क्योंकि आप अगर इसको करोगे तो वो जो बॉल है स्पेयर है वो भी हो जाएगा, अगर आप वर्टिक्स से करोगे तो देखो नहीं होगा,
वर्टेक्स से में भी होगा, बट मेरे को ये वर्टेक्स में यहाँ पे हम लोग सेट नहीं करना, बस इतनी रखना है बस। अब इसी को अंदर कर दे, देखो इसमें नहीं हुआ, तो आप ऐसा कर सकते हो, थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो आप ये तो कर समझ गए दोस्तों, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, एंड अगर कोई न्यू व्यूअर है, कोई को पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो ला सकूँ। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।